कैसे हैं भाई मेरे 12th वाले बच्चों? बढ़िया। कल पहला लेक्चर पढ़ा आप लोगों ने, मज़ा आया होगा। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं अपनी तरफ से कि आप लोगों के पास में एक अच्छा कंटेंट पहुंचाया जाए। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास नंबर 2, लेक्चर नंबर 2 हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम बेसिकली बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, और क्वांटाइजेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं वो कौन कौन सी प्रॉब्लम बन सकती है, कैसे कैसे हमें क्वांटाइजेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन होंगे सबका अच्छे से अपने अपनी कॉपी के अंदर आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, बिल्कुल सही तरीके से आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, चलिए। हमारा जो स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर है, वह जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का, वो है लिमिटेशंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हम बात करने वाले हैं लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। ठीक है, देखिए, हम क्वांटाइज पहले तो मैं बता देता हूं कि आपको याद हो जाना चाहिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, यानी किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा। यानी इलेक्ट्रॉन के सामने ये जो एन लिखा हुआ है ना, ये हमेशा एक इंटीजर रहेगा, कभी पॉइंट में नहीं हो सकता है, कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, हमेशा एक इंटीजर रहना है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कहाँ जाकर ये रूल हमारा फेल हो जाता है? ठीक है, देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, यदि हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ई के सामने एक पूरा इंटीजर होना चाहिए, आइदर भी प्लस और माइनस, प्लस माइनस 2e, प्लस माइनस 3e, प्लस माइनस 4e, डैश डैश डैश, प्लस माइनस एनी, ये होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए 1.5e या 2/7e, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, सिर्फ एक इंटीजर होना चाहिए, ई के सामने हमेशा इंटीजर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल की, लिमिटेशन की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। यानी अगर हम बहुत छोटे लेवल पर बच्चों बात करें, बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटे लेवल का मतलब क्या है, देखो हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ा हम लोगों ने, मॉलिक्यूल एटम से मिलकर बने हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, एटम के बिल्कुल बीच में एक न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटोन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इतनी बात हम लोगों को पता है। अभी हमें ये नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉन किस चीज़ से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन भी बच्चों कुछ पर्टिकुलर लेयर से मिलकर बना होता है, कुछ लेयर्स होती हैं, चार्ज की लेयर्स होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो भी इन लेयर से मिलकर बने होते हैं, और इन लेयर को हम एक पर्टिकुलर नाम से बच्चों पुकारते हैं, इनका नाम होता है बच्चों क्वार्क्स। ये लेयर हमारी क्वार्क्स कहलाती है, आप ध्यान रखिएगा, इन लेयर को हम क्वार्क्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा अभी मैं बात कर रहा था लिमिटेशन की। अब लिमिटेशन क्या है, मैं सिर्फ लिमिटेशन आपको बताने वाला हूं कि लिमिटेशन है क्या, क्वार्क की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। क्वार्क के ऊपर जो बच्चों चार्ज होता है उसकी वैल्यू रहती है प्लस 2/3 इंटू ई और माइनस 1/3 इंटू ई। अब तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन मिलकर बना है क्वार्क से, और क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो इतना है 2/3e या 1/3e, तुम ये बताओ कि ये फ्रैक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल है फ्रैक्शन में। ये भी फ्रैक्शन में है या नहीं है? बिल्कुल ये भी फ्रैक्शन में है। अगर ये भी फ्रैक्शन में है और ये भी फ्रैक्शन में है, इंटीजर तो नहीं है? नहीं, इंटीजर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इन पर हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक हमेशा ई के सामने इंटीजर होना चाहिए। यहाँ तो ई के सामने इंटीजर बिल्कुल नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल की लिमिटेशन क्या है, तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक लिमिटेशन बताई है, और इस लिमिटेशन का नाम है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, यानी बहुत छोटे लेवल पर जब आप पहुंच जाते हैं क्वार्क के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, ये कुछ एलिमेंट्री लेयर से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं एलिमेंट्री लेयर को हम बोलते हैं क्वार्क्स। क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। और आप देखिए
एक क्वार्क के ऊपर जो चार्ज है वो है प्लस 2/3 इंटू ई। होना कितना चाहिए, यहां इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ये तो 2/3 है यानी 0.667 आएगा। इसका मतलब है कि डेसिमल में जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है क्वांटाइजेशन के मुताबिक। ये भी डेसिमल में पहुंचेगा, ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। सो एट माइक्रोस्कोपिक लेवल यानी बहुत छोटे लेवल पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है। अभी ये हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मैंने आपको लिमिटेशन बताइए बच्चों, ध्यान रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, क्वार्क लेवल पर एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे चलकर हमें क्वार्क को और डिटेल्ड में डिस्कस करना है, एक क्वेश्चन बनेगा आज की ही क्लास में, उसमें हम खूब डिटेल में क्वार्क के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी लिमिटेशन हो गई है, याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, ये है नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में क्या है, आप गौर करिएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में है क्या, अगला हमारे पास में एक प्रॉब्लम दी गई है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स है, ठीक है? एनसीईआरटी के अंदर ये सवाल आता है हमारा, हमें इस प्रॉब्लम को बनाना है। क्वेश्चन क्या है, पहले आप देखिए, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस। यानी आप ये समझिए कि पॉलिथीन के ऊपर जो चार्ज आ गया है बच्चों, पॉलिथीन के ऊपर जो चार्ज आया है उसकी वैल्यू है -3×10⁻¹⁷ कूलम, राइट? इतना चार्ज आ गया है। अब जैसे यार मेरे दिमाग में आया कि पॉलिथीन के ऊपर इतना चार्ज आया, मैं एकदम से समझ जाऊंगा कि अगर पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब यह है कि पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और पॉलिथीन को हम जिस दूसरी बॉडी के साथ में रबिंग करा रहे थे, जिस दूसरी बॉडी के साथ उसे हम घिस रहे थे, डेफिनेटली उस दूसरी बॉडी पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, याद रखना है, भूलना नहीं है। अगर पॉलिथीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है, इसके दो मतलब हैं। पहला मतलब कि पॉलिथीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है और पॉलिथीन का वर्क फंक्शन दूसरी बॉडी के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है? एक मतलब तो इसका ये हो गया है। दूसरा क्या है, अगर पॉलिथीन के ऊपर इतना नेगेटिव चार्ज आया है तो डेफिनेटली दूसरी बॉडी पर इतना ही पॉजिटिव चार्ज आया होगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा आप लोग, सो मैं कह सकता हूं कि जो दूसरी बॉडी का नाम मुझे यहां पर दिया है, दूसरी बॉडी का नाम मुझे दिया है वूल, तो डेफिनेटली वूल के ऊपर जो चार्ज आएगा बिल्कुल इतना ही चार्ज आएगा और पॉजिटिव आएगा, +3×10⁻¹ कूलम। डेफिनेटली पॉलिथीन के ऊपर इतना चार्ज आया है, डेफिनेटली वूल के ऊपर भी इतना ही चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा। एक बात तो मुझे ये पता चल गई, दूसरी बात, अगर वूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया है और पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वूल के अंदर से निकलकर पॉलिथीन पर ट्रांसफर हुए हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर हुए हैं। तो उसने पूछा है कि बताइए इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, और फर्स्ट में पूछा है एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो हम एकदम से बता सकते हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं वूल टू पॉलिथीन, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो वूल से पॉलिथीन की तरफ ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर यहां ट्रांसफर हो गए बच्चों, तो डेफिनेटली वूल का जो मास रहा होगा वो कर जाएगा डिक्रीज, और पॉलिथीन का जो मास रहा होगा बच्चों, पॉलिथीन का जो भी मास रहा होगा वो कर जाएगा इंक्रीज, वूल का मास घट जाएगा। अरे कॉमन सी बात है यार, अगर इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकले तो पक्का इसका मास घटेगा या नहीं घटेगा, कुछ क्वांटिटी निकल गई इसके अंदर से, डेफिनेटली इसका मास कम हो जाएगा, और वहां कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच गए तो उसका मास बढ़ जाएगा। तो हमने तीन चीजें बता दी, पॉलिथीन के ऊपर नेगेटिव आएगा, वूल के ऊपर पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल उतना ही आएगा। दूसरी बात, ये जो घिसने वाला मेथड है जिसे हम रबिंग मेथड बोलते हैं बच्चों, ये एक बहुत ही टेम्परेरी सा मेथड होता है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए काम करता है, बॉडीज बहुत कम टाइम के लिए चार्ज होती हैं फिर दोबारा से डिस्चार्ज हो जाती हैं। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका मास डिक्रीज कर जाएगा, जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा उसका मास इंक्रीज कर जाएगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन क्या है। अब उसने हमसे पूछा है कि बताइए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, हमने ये तो बता दिया भाई इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं, अब हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। देखिए ध्यान से, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के मुताबिक फॉर्मूला है Q = ne,
ठीक है, हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ई। एक बहुत ही सुपर मेथड बताने वाला हूँ मैं आपको कैलकुलेशन का, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। अब आप देखिए, क्यू यानी चार्ज और ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है ये 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब आगे से ना ये बात आपको याद रख लेनी है बच्चों, जब आप क्वेश्चन करेंगे कि 1/e की जो वैल्यू है वो फिक्स है, मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे आपको चार्ज की मल्टीप्लाई इस डेटा से कर देनी है, 6.25 × 10⁻¹⁸। अगर आपसे पूछा है ना कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, बहुत ही आसान तरीका है, 6.25 × 10⁻¹⁸ की मल्टीप्लाई आप चार्ज से कर देंगे। जैसे ही इसकी मल्टीप्लाई आप चार्ज से करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और कहां से कहां ट्रांसफर हुए हैं। ट्रांसफर हुए हैं पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, ठीक है। सो हमें कैलकुलेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज की वैल्यू है 3 × 10⁻¹⁷ और यह है 6.25 × 10⁻¹⁸। लीजिए सर, फर्स्ट आंसर हम लोगों का बन गया है ये जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच। तो ये हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ, बताइए कहाँ से कहाँ, जल्दी से बताइए कहाँ से कहाँ होंगे। ये होंगे पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, वूल टू पॉलीथीन, इतने इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रांसफर होने वाले हैं वूल टू पॉलीथीन। अच्छा, अब इसके बाद हमसे पूछा है क्या कोई मास भी ट्रांसफर होगा। अरे कॉमन सी बात है यार, सोचो दिमाग लगाओ, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास जरूर रहता है, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो मास भी ट्रांसफर होगा, कितना मास ट्रांसफर होगा कैसे निकालेंगे। अगर आपको मास का ट्रांसफर निकालना है तो इलेक्ट्रॉन के मास की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻³¹ किलोग्राम की मल्टीप्लाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से करनी पड़ेगी। यानी जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 × 10⁻³¹ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफर्ड हुआ है और कहां से कहां हुआ है। तो ये हमारी एक क्वेश्चन के अंदर जितनी भी बातें बन सकती थी वो सब मैंने आपको बताई कि कहां से कहां इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी। जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका वर्क फंक्शन कम है और उसका मास डिक्रीज होगा। जिस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका मास इंक्रीज होगा और उसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। रबिंग मेथड एक टेम्परेरी मेथड है जो बहुत कम टाइम के लिए बॉडीज को चार्ज कर सकता है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आराम से आप क्वेश्चन और उसका आंसर लिख सकते हैं, कैलकुलेशन आप लोगों को कैलकुलेट करके आंसर निकालना है बच्चों, बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोगों के पास में, कैलकुलेट हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वुड हैव टू बी रिमूव फ्रॉम अ कॉपर पैनी टू लीव इट विद अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दिस, ठीक है। यानी आपके पास में कॉपर कॉइन मान लेते हैं बच्चों, एक दिस इज अ कॉपर कॉइन, ये हमारे पास में कॉपर कॉइन है, ठीक। अब उसने आप लोगों से ये कहा कि बताइए इसके अंदर से हम कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें। अब पहले तो यार ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने से कैसा चार्ज आएगा। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि जब किसी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन्स अगर एक्सेप्ट होते हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और कितना पॉजिटिव आएगा क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी गिवन है, +10⁻¹⁵ कूलम। क्वेश्चन ये है कि हम इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालें कि इसके ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो ये तो हम लोगों को क्लियर है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं। सिंपल सा हमारे पास में कॉन्सेप्ट है, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एन ई, एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, क्यू 1/e को हम लिख सकते हैं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं 6.25 × 10⁻¹⁸। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, Q की वैल्यू कितनी है आपके पास में 10⁻¹⁵ और यह है 6.25 × 10⁻¹⁸। देखो जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे
आंसर बनेगा 6.25 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन। ये माइनस 15 है, ये प्लस 18 है, सॉल्व करके इतना आ जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन हमें इस बॉडी के अंदर से बाहर निकालने पड़ेंगे अगर हमें इस बॉडी के ऊपर इतना पॉजिटिव चार्ज लेकर आना है बच्चों। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, कोई मुश्किल काम है नहीं, बड़े आराम से आप क्वांटाइजेशन की इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां से आप पॉज करके आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगली सिचुएशन पे हम लोग आते हैं बच्चों। देखिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों। अगला सवाल हमारे पास में क्या है जरा आप लोग देखें। हाउ मैनी मेगा कुलम्ब, बच्चों मेगा कुलम्ब का मतलब क्या होता है? 1 मेगा कुलम्ब इज इक्वल टू 10^+6 कुलम्ब, याद रखिएगा, भूला नहीं है। 1 मेगा कुलम्ब इज इक्वल टू 10^6 कुलम्ब। हाउ मैनी मेगा कुलम्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इन 1 मोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आपको 1 मोल न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस दे रखी है और पूछा है कि इसके अंदर कितने मेगा कुलम होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर चार्ज है कितना। देखो चार्ज का एक बेसिक फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास में, चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास में वो है क्यू इज इक्वल टू एन ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, आप ये देखिए ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं मोल। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, याद रखिएगा, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर सिखाया जाता है, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, कैपिटल एन को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लिख सकते हैं मोल, नंबर ऑफ मोल इंटू जेड इंटू एन। देखिए मैं आपको बताता हूं कि क्या करना है, Q इज इक्वल टू स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। ये हमारे पास में चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका है किसी भी मूल के अंदर या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी के अंदर। ये फॉर्मूला बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है, कैसे फॉर्मूला है जस्ट मैं अभी आप लोगों को बताता हूं कि ये फॉर्मूला आया कहां से है, पहले हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। मैं आपको यहां से एक बात बताता हूं बच्चों कि जब भी आपको नंबर ऑफ मोल या कोई भी क्वांटिटी आपको दे रखी होगी, हमेशा चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आपसे कहा है कि न्यूट्रल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन गैस, अगर वो न्यूट्रल गैस है तो इसका मतलब यह है कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही उसके अंदर नेगेटिव चार्ज होगा। हम किसी भी एक को कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरा अपने आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। अपने दिमाग में इस बात को अच्छे तरीके से उतार लीजिए कि जब भी आपसे नंबर ऑफ मोल या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी, 5 ग्राम 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम, कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी की बात होगी, हमेशा आप इसी फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मोल इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई, ये हमारे पास में दूसरी कंडीशन बन जाएगी इसकी। अगर आपको किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी दे रखी है, उसका मास यहां रखिए, मॉलिकुलर मास यहां रखिए, एन नॉट एवोगैड्रो नंबर है उसकी वैल्यू यहां रखेंगे, जेड का मतलब है कि जिस भी गैस की या किसी भी क्वांटिटी की बात हो रही है उसका कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर कितना है, और ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब जैसे कि ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, देखते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मोल आपको दे रखे हैं ना, आप लोग देख रहे होंगे, मोल आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई मोल आपको दे रखे हैं। अगर मोल दे रखे हैं तो आप नीचे वाला मोल वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आप देखिए, नंबर ऑफ मोल आपको दे रखे हैं 1, 1 मोल की बात हो रही है। एन नॉट की वैल्यू हो गई 6.022 इंटू 10^23, ये हो गई है एन नॉट की वैल्यू। Z क्या हो जाएगा, आप देखो, देखो कौन सी क्वांटिटी की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, H2 की बात हो रही है। अब H2 हाइड्रोजन के डबल एटम्स हैं, H2 डाइएटॉमिक गैस है, समझ आ रही बात। तो H के अगर दो हैं तो एक H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, दूसरे H का भी 1 हो जाएगा, यानी हम ये लिख सकते हैं कि H2 के अंदर Z की जो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी, H2
एक का एटॉमिक नंबर एक, एक का एटॉमिक नंबर एक, दो हो गया है, Z की जगह दो पुट करेंगे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनिएगा, ये आंसर आता है बच्चों कुलाम में, काय में आता है, लेकिन उसने हमें कहा कि आंसर चाहिए मेगा कुलाम में, काय में चाहिए मेगा कुलाम में। तो इजी, बहुत आसान तरीका है, पहले तो आप दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से उतार लें, अगर किसी सब्सटेंस की क्वांटिटी की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर नंबर ऑफ मोल की बात हो रही है तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज में लेकर आना है, ठीक है। अगर मुझे आंसर निकालना है मेगा कुलाम में तो मुझे 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे ही मैं 10 की पावर 6 से डिवाइड करूंगा ये आंसर मेगा कुलाम के अंदर आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर मुझे आंसर मेगा कुलाम में निकालना है तो मुझे इसे 10 की पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल आपको दे रखे थे, एन नॉट मुझे पता है, H2 की बात हो रही है तो H2 में Z की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, कैलकुलेट करेंगे आंसर बन जाएगा, यहाँ से आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेट आंसर आएगा, आपके सामने लिखा हुआ है, आप यहाँ से अपना आंसर मैच करा सकते हैं, ठीक है, इजी वे है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे सामने बात ये आ जाती है कि यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से हमारे पास में, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे कहाँ लगाना है। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है हमारे पास में, क्यू इज इक्वल टू एन ई। आप सभी लोग जानते हैं कि n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से है। अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं तो मैं कैसे निकाल सकता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप ये देखो, मान लीजिए कि आपको कोई m ग्राम सब्सटेंस दे रखा है, इसका एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट हो गया है कैपिटल m, ये निकल गए हैं नंबर ऑफ मोल। अगर मैं नंबर ऑफ मोल में n नॉट से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन गया है नंबर ऑफ एटम, क्या बन गया है नंबर ऑफ एटम, ध्यान रखिएगा ये बन गया है नंबर ऑफ एटम, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसके बाद में मैंने Z से मल्टीप्लाई करी, Z से मैंने क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि अगर मैं किसी भी न्यूट्रल एटम की बात करूंगा उसके अंदर जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कौन दिखाएगा इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव कौन दिखाएगा प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर किसी भी न्यूट्रल एटम में बराबर होता है Z के, यानी एटॉमिक नंबर के, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। ये मोल हमने निकाला, मोल में एन नॉट से मल्टीप्लाई करी तो एटम का नंबर निकल गया, एटम में अगर Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे या नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को अगर E से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात बहुत ही कम स्टूडेंट जानते हैं बच्चों, आप लोगों के लिए है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कहीं फॉर्मूला नहीं मिलेगा आप लोगों को, आपको इस और ये समझिए कि इस फॉर्मूले के बाद में आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएंगी, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि अगर मोल का टर्म आया तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर मास का या वेट का टर्म आया तो ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल में लेकर आना है। ये मोल है, एन नॉट से मल्टीप्लाई करते ही ये एटम बन जाएगा, जेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बन जाएंगे, और एक प्रोटॉन के चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल चार्ज हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। जैसा कि आगे आप देखिए, आगे भी कई प्रॉब्लम इसके ऊपर आने वाली है। सो स्टूडेंट आप देखिए, जैसे कि ये प्रॉब्लम आपको दी गई है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी विच कैरी 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। देखो यार, एकदम से हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं भैया, 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, 20 एक्सेस इलेक्ट्रॉन, अगर 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो डेफिनेटली इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना है, कौन सा चार्ज होना है नेगेटिव चार्ज होना है, क्योंकि 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं इसके पास में। अगर 20 इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हैं तो कैसे निकालेंगे चार्ज, अरे 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं तो कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं भैया 20 ज्यादा हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है ना, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस के एन ई, एन का मतलब होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में ट्रांसफर हुए हैं, या कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में ज्यादा हैं या कितने इलेक्ट्रॉन उसके पास में कम है, अगर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज आएगा और अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहां उसने कहा कि 20 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो एन की जगह 20 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे, एक्यूरेट आंसर आ गया माइनस के 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 कूलम्ब। अच्छा बच्चों, अगर ऐसा होता ये आपसे कहता कि 100 इलेक्ट्रॉन कम है यार, 100 इलेक्ट्रॉन कम, तो क्या कहते तुम लोग, अगर 100 इलेक्ट्रॉन कम होते हम कहते कि भैया 100 इलेक्ट्रॉन अगर कम है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन कम है
एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 मल्टीप्लाई करेंगे, चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है आप लोगों को कम इलेक्ट्रॉन में क्या करना है और ज्यादा इलेक्ट्रॉन में क्या करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है और आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा इस प्रॉब्लम से बच्चों। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द टोटल चार्ज इन कूलम्ब एसोसिएट विद 75 किलोग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक थैले के अंदर 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन भर दिए हम लोगों ने। अगर सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए उस थैले के अंदर, कोई पॉजिटिव नहीं है, तो डेफिनेटली उस पूरे थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। अब वो कितना नेगेटिव चार्ज होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। भाई हमें तो ये पता है कि चार्ज कैलकुलेट करने का हमारे पास में एक ही तरीका है और वो है क्यू इज इक्वल टू एन ई। एन यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई यानी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देखो। अब तुम एक बात बताओ यार, थैले के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं भैया, कितने इलेक्ट्रॉन है, 75 केजी। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। 75 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन है थैले के अंदर, मान लेते हैं हम लोग एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है। जैसे ही डिवाइड करेंगे पता चल जाएगा कि कितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, और n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही रिप्रेजेंट करता है और e हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो नेगेटिव चार्ज इतना आ जाएगा बच्चों उसके ऊपर, कैलकुलेट करेंगे इतना नेगेटिव चार्ज हमारे पास में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रॉब्लम में वो हमें ये कहता कि भाई तुम्हारे पास में 10 किलोग्राम प्रोटोन है, प्रोटोन पॉजिटिव चार्ज कितना चार्ज रहेगा। तो अभी आप देखो, प्रोटोन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, कितने किलोग्राम है, 10 किलोग्राम। एक प्रोटोन का मास कितना होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस के 27। बहुत सारे बच्चों को मिस कॉन्सेप्ट है, याद नहीं रख पाते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, प्रोटोन का मास इतना है, बोलना नहीं है। प्रोटोन का चार्ज सेम होता है, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वही प्रोटोन का चार्ज है, बस फर्क है कि पॉजिटिव में है। अगर प्रोटॉन की बात होती तो इतना चार्ज आ जाता, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो इतना चार्ज आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, सो नेक्स्ट, अभी हम लोग ये वाली प्रॉब्लम बनाते हैं स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है। मैंने अभी आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लिखा था और मुझे याद है कि आप भूले नहीं होंगे अभी तक। कॉन्सेप्ट ये था, मोल इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट था, चार्ज इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। मैंने तुम्हें कहा था कि यार बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब मोल की बात होगी तो ऊपर वाला फॉर्मूला, और जब किसी सब्सटेंस की बात होगी, किसी क्वांटिटी की बात होगी, तो नीचे वाला फॉर्मूला। मोल की मल्टीप्लाई एन नॉट से करेंगे एटम बन जाएंगे, एटम की मल्टीप्लाई जेड से करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन बन जाएंगे, और उसकी मल्टीप्लाई ई से करेंगे तो टोटल चार्ज हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं बच्चों हम लोग। देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन वन कप ऑफ वॉटर। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर एक, फर्स्ट एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, जरा हम लोग गौर करते हैं यार इसके ऊपर। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। सबसे पहली बात, पानी के अगर एक कप की बात हो रही है तो पानी का एक कप तो भैया न्यूट्रल है, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ओवरऑल बाहर से देखने पर अगर वो न्यूट्रल है तो हम ये कह सकते हैं कि जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उतने ही अमाउंट में इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है। और बात हो रही है वन कप की, तो फिजिक्स में आगे से आप याद रखेंगे इन अ कप ऑफ वाटर, एक कप का मतलब 250 ग्राम्स है बच्चों, दो कप का मतलब 500 ग्राम, थ्री कप 750, फोर कप 1 लीटर यानी 1000 ग्राम, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है कि एक कप के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज है। आपको दे रखा है 250 ग्राम यानी मास आपको दे रखा है, मोल आपको नहीं दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। चार्ज की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल एम कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। वैल्यू पुट करते हैं, मास हो गया 250,
वाटर की बात हो रही है H2O की, सो H H O, ओके बच्चों, इसका मास नंबर 1, इसका भी 1, इसका 16, ठीक है, H2O, कुल मिलाकर कैपिटल M की वैल्यू बन गई हमारे पास में 18, एंड नॉट की वैल्यू आ गई 6.022 इंटू 10 की पावर 23। Z पर आप गौर करें, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो Z को और कैपिटल M को सेम मान बैठते हैं, लेकिन भैया ऐसा मत कर देना यार, ठीक है, नहीं, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो। कैपिटल M हो गया है इसका एटॉमिक वेट यानी मॉलिक्यूलर मास, हमें चाहिए Z कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन कितने हैं। देखो, एक एच एक इलेक्ट्रॉन, एक एच एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के अंदर होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1, 1 और 8, Z की वैल्यू हो गई है 10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ये 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। कुल मिलाकर पानी के एक कप के अंदर हमारा इतना पॉजिटिव चार्ज और इतना ही नेगेटिव चार्ज निकल जाएगा, इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज होगा और इतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। बड़ा इजी है यार, मास तुम्हें दे रखा था 1 कप 2 कप 3 कप 4 कप, वहां से हमने पता लगा लिया, कैपिटल M हमने यहां रख दिया, ये नॉट की वैल्यू हो गई, ये Z हो गया, ये इलेक्ट्रॉन से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दी, प्रॉब्लम सॉल्व, काम खत्म। मान लो अगर ऐसे ही प्रॉब्लम हमारे पास में कुछ ऐसे आती, क्वेश्चन आता 10 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl, बताना है कि इसके अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, कैसे बताएंगे आप लोग, जरा देखिए, 10 ग्राम की बात हो रही है, तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि मोल वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, मास वाला फॉर्मूला लगाना है, चलिए लगाते हैं मास वाला फॉर्मूला, मास हो गया 10 ग्राम, कैपिटल M देखते हैं NaCl का कितना हो जाएगा। अब जिन लोगों को अच्छे से याद है उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, Na यानी सोडियम 23, Cl यानी क्लोरीन 35.5, ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में बच्चों 58.5, हमारे पास में कैपिटल M की वैल्यू 58.5, एंड नॉट की वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम्ब, ठीक है। अभी बचा है हमारे पास में Z, Z कैसे निकालेंगे आप देखिए, हम लोग Z कैसे निकालने वाले हैं, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, ओके, Cl का एटॉमिक नंबर 17, तो हमारे पास में कुल मिलाकर हो गया है 28, ठीक है, तो हम लोग यहां रख देंगे 28 यानी 28 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, मल्टीप्लाई करेंगे कुल मिलाकर हमारे पास में टोटल चार्ज निकल जाएगा। आप ये बात अच्छे तरीके से याद रखेंगे, बड़े आराम से प्रॉब्लम आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे बच्चे होशियार हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ओके बच्चों। हाँ भाई कल्पिका, समझ आया तुम्हें? नहीं, चलो पढ़ते रहो ध्यान से। अभी इस वाली प्रॉब्लम पे आते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, इफ 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी, देखो ध्यान से यार, 10^9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड, ठीक है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब ऑन दी अदर बॉडी। प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये हमारे पास में दूसरी बॉडी है, ठीक है। अब उसने ये कहा कि अगर यहां से 10^9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बाहर निकल रहे हैं, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कौन सी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन सी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आएगा, किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, किसका वर्क फंक्शन कम है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, डेफिनेटली पॉजिटिव आएगा, यहां इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, डेफिनेटली नेगेटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा। ए का जो वर्क फंक्शन है वो कम है, बी का जो वर्क फंक्शन है वो ज्यादा है। और उसने कहा है कि बताइए कितने टाइम के बाद ए वाली बॉडी पर जो चार्ज आना है वो प्लस एक कूलाम का चार्ज आना है, कितने टाइम के बाद में, इन हाउ लॉन्ग, हाउ मच टाइम, ठीक है, कितने टाइम के बाद में इतना चार्ज इसके ऊपर आना है। भाई हमें ये तो पता है कि पक्का पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन कितने टाइम के बाद आएगा ये हम कैलकुलेट करते हैं। आप ये देखो, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो
तो टी सेकंड में कितने बाहर निकलेंगे बताओ जरा, टी सेकंड में कितने बाहर निकलेंगे? एक सेकंड में इतने बाहर निकले, टी सेकंड में बाहर निकलेंगे 10^9 इंटू टी, टोटल इलेक्ट्रॉन इतने बाहर निकलने वाले हैं। मैंने ये मान लिया कि टी टाइम के बाद में इतना चार्ज आ जाता है, एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तो टोटल टी टाइम के बाद में इतना चार्ज आ गया, तो टी सेकंड में कितने निकलेंगे? इतने निकलेंगे। अब तो बड़ा आसान हो गया यार, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल के मुताबिक ये कितना चार्ज आना है, 1 कूलम का चार्ज आना है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 10^9 इंटू टी इंटू ई, टाइम की वैल्यू बन जाएगी 1/e, 10^9 इधर जाएगा, 10^-9, जब e को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 6.25 इंटू 10^18। जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया ध्यान से सुने, मैंने अभी बताया कि 1/e, 1/e को हम लिख सकते हैं 6.25 इंटू 10^18, ये हो गया 10^-9, कैलकुलेट करेंगे 6.25 इंटू 10^+9 सेकेंड, इतने टाइम के बाद में +1 कूलम चार्ज आ जाएगा बच्चों उसके ऊपर, इतने टाइम के बाद में इतना चार्ज आ जाएगा। आंसर आपको ईयर्स में दे रखा है, तो ये अभी सेकंड में है, पहले इसे मिनट्स में चेंज करिए, फिर आवर्स में चेंज करिए, फिर डेज में चेंज करिए, फिर ईयर्स में चेंज करिए, आपका बिल्कुल एक्यूरेट यही आंसर आने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे। अगर मैं जस्ट इसके जैसे ही एक और कंडीशन आपके सामने लेता हूं, जैसे कि चलो नेक्स्ट में ही लेते हैं, स्पेस कम है हमारे पास में यहाँ पर, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलकर यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, क्यू इज इक्वल टू एनी, एक सेकंड में इतने निकले तो टी सेकंड में कितने निकलेंगे, 10^9 इंटू टी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना है, टाइम को कैलकुलेट करेंगे, आंसर हमारा बन गया है बच्चों। ठीक है, ओके, सो अभी आप लोग देखिए कि नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास में। देखो अगर मैं अभी प्रॉब्लम की बात करूं बच्चों, यहां पर जैसे हम लोगों ने जस्ट अभी क्वेश्चन किया, एक मान लीजिए कि हमारे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी पर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10^5 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हमें बताना है कि कितने टाइम के बाद में -2 μC का चार्ज आएगा। तो सबसे पहले तो आप यार ये समझो कि बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, भैया इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस पर कैसा चार्ज आने वाला है, डेफिनेटली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा ये हम लोग देखते हैं, क्यू इज इक्वल टू -N इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू -N। ठीक है, देखो N का मतलब क्या है, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, एक सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो t सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10^5 इंटू टी इंटू ई, क्यू की वैल्यू है 2 μC -10^5 इंटू टी इंटू ई, जब हम यहां से t को कैलकुलेट करेंगे 2 × 10^-6 10^5 इंटू ई, 1/e बन जाएगा बच्चों हमारा 2 × 10^-6 10^5 ऊपर जाएगा 10^-5 1/e बन जाएगा 6.25 इंटू 10^18 सेकेंड। ठीक है, ये पूरा आंसर हमारा सेकेंड में निकल जाएगा कि इतने टाइम के बाद में बॉडी के ऊपर इतना चार्ज आ जाना है बच्चों। ठीक है, अच्छा एक बात और देखिए, आप थोड़ा गौर करने वाली बात है, जैसे ये बॉडी है, इस बार बाहर से इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है बच्चों, देखते हैं कि कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, IDJEE में पूछा गया था, अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं बाहर से, अल्फा पार्टिकल, मैं आपको बता देता हूं कि अल्फा पार्टिकल पर इतना चार्ज होता है +2e, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना चार्ज होता है अल्फा पार्टिकल के ऊपर। ठीक है, और मान लेते हैं कि इतने अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं पर सेकेंड, तो बताना है कि कितनी देर में 1 कूलम का चार्ज आएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्यू इज इक्वल टू, एक सेकेंड में इतने आए तो टी सेकेंड में कितने आएंगे, 10^5 इंटू टी। बहुत सारे बच्चों को मिस कॉन्सेप्ट यह है कि हमेशा फॉर्मूला यह होना है क्यू इज इक्वल टू एन इंटू ई, गलत, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। इस बार अल्फा पार्टिकल आ रहे हैं, तो अल्फा पार्टिकल आने की वजह से क्यू इज इक्वल टू, ये एन की वैल्यू है, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है वो ई नहीं है, 2e है, ध्यान रखिएगा, अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज है वो ई नहीं है, वो कितना है, वो 2e है। तो जो पार्टिकल आ रहा होगा एन के साथ में उसका चार्ज रखेंगे,
अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये एन की वैल्यू है, ये अल्फा पार्टिकल का चार्ज है। क्यू की वैल्यू 1 × 10⁵ इंटू टी, साथ में है 2e, सो टी इज इक्वल टू 1/2e इंटू 10⁵। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है बच्चों। सो तो बच्चों अभी हम लोग देखते हैं कि आज हमने आपको क्या कॉन्सेप्ट इसके ऊपर बताया है। ठीक है, सबसे पहले हमने आपको बताया लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लिमिटेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर पहुंच जाते हैं तो वहां क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है कि हमेशा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है कि हमेशा इसके सामने इंटीजर नंबर रहना है, ये फेल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर क्वार्क आ जाती हैं, क्वार्क्स आ जाती हैं, और उन क्वार्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो प्लस के 1/3e, माइनस के 2/3e, प्लस माइनस इतना चार्ज रहता है बच्चों। अब अगर ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में आ गया तो क्वांटाइजेशन कहाँ वैलिड हुआ? बिल्कुल वैलिड नहीं हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की लिमिटेशन क्या है। आप लिखेंगे एट वेरी माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटे लेवल पर पहुंचकर, इलेक्ट्रॉन के अंदर पहुंचकर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो प्रिंसिपल है वो फेल हो जाने वाला है। अभी क्वार्क के बारे में मैंने आपको बताया है, इसे हमें डिटेल्ड में डिस्कस करना है बच्चों, तो अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, सेकेंड कंडीशन में हमने इस तरीके की प्रॉब्लम पढ़ी, सेकेंड में ये हमने पॉलिथीन वाली और वूल वाली कंडीशन पढ़ी कि दो बॉडी को अगर हमने एक दूसरे के ऊपर रबिंग कराया तो एक के ऊपर आएगा पॉजिटिव, एक के ऊपर आएगा नेगेटिव। जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा उसका वर्क फंक्शन कम है, जिस पर नेगेटिव आएगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होंगे पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी। ठीक है, इसके बाद में हमने आपको ये बताया कि अगर हमने 20 इतना चार्ज उसके ऊपर आ गया है तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन हमने उसके अंदर से बाहर निकाले हैं। बच्चों प्रॉब्लम हमने आपके सामने सॉल्व की थी, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से पॉजिटिव चार्ज आएगा, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन थी। इसके बाद में हाउ मैनी मेगा कुलम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इन 1 मोल ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो भैया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, और मैंने इसका फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है कि इसका फॉर्मूला क्या है। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू ई। ये चार्ज निकालने का फॉर्मूला है इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, ओके, ये हमारी 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से नेगेटिव चार्ज आता है। कितना आएगा? 20 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। ठीक है, इसके बाद में 75 kg इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पैकेट है हमारे पास में, उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज होगा? 75 kg है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कितने उसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना होता है, उससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस बच्चों हमने आपको बताई हैं। आप अभी हम लोग जितनी भी प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई है इनमें से क्वार्क के बारे में अभी हमें आपको बताना है, और वो जो लास्ट टाइप की प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है उसे एक और बार डिस्कस करना है। कल की क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्वार्क से करेंगे, क्वार्क सिस्टम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्वार्क सिस्टम है, कि क्वार्क सिस्टम क्या होता है, हमें क्वार्क सिस्टम के बारे में पढ़ना है। देन हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बच्चों सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप लोग मन लगाकर पढ़ें, ध्यान से हर एक लेक्चर को सुने, उसके अंदर आप लोगों को क्या बताया जा रहा है उसे फॉलो करें। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी हम आपके सामने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी लॉन्च करेंगे, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से लेट हो रहा है क्योंकि काम करना काफ़ी पड़ रहा है, रिसोर्सेज इतने अवेलेबल है नहीं अभी, तो इतना आप लोग यूट्यूब पर लेक्चर्स देखकर अपने आप को अच्छे तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए प्रिपेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।